नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरो थेरेपिस्ट। दोस्तों, बहुत समय से एक डिमांड आ रही थी कि सर थायराइड के बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए जिनमें थायराइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो दोस्तों, आज से हम एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस पर हम समय समय पर थायराइड के बारे में बहुत सारे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए, थायराइड क्या है, थायराइड में अरोमा थेरेपी कैसे काम करता है, थायराइड के लिए क्या एक्सरसाइज की जानी चाहिए और थायराइड से क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात ये करने वाला हूं कि एक्चुअली थायराइड क्या है और थायराइड किस तरह से काम करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमें किन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन होगा थायराइड प्रॉब्लम का, जिसमें हम मोटे मोटे तौर पर सभी मुद्दों को कवर करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम एक एक चीज को लेकर के उसे बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड वे में देखेंगे, जिससे हम थायराइड प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर इस प्रॉब्लम का क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है वो करने की कोशिश कर सके। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थायराइड एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि गले के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये एक तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी के ज्यादातर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन पर कंट्रोल रखती है। ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। थायरोक्सिन हार्मोन में भी दो तरह के हार्मोन्स हैं, T3 एंड T4। जब थायराइड ग्लैंड इन दोनों ही हार्मोन्स को संतुलित मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। या तो जब ये थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा बनता है तो भी प्रॉब्लम होती है, और जब ये हार्मोन कम बनता है तो भी हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। थायराइड जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी के ज्यादातर जो हमारी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। जैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इसी के हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी की जो मेमोरी है वो भी इसी के थ्रू कंट्रोल की जाती है। और जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है या जो थायराइड जो ग्लैंड है उस पर कंट्रोल करने का काम करती है हमारी मास्टर ग्लैंड, मतलब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जानने की जरूरत है कि ये जो थायराइड प्रॉब्लम है ये कितनी तरह की होती है। तो थायराइड जो प्रॉब्लम है बेसिकली दो तरह की है, हाइपरथायरायडिज्म और हाइपोथायरायडिज्म। हाइपरथायरायडिज्म का मतलब बिल्कुल शब्दों से ही क्लियर होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, थायरायडिज्म मतलब थायराइड। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसे हाइपरथायरायडिज्म कहा जाता है। नंबर टू, हाइपोथायरायडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायरायडिज्म मतलब थायराइड। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को जो है वो जरूरत से कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है उसे हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। ये दोनों ही तरह का थायराइड हमारी बॉडी को कई सारी तकलीफों में लेके आ सकता है या कई सारी प्रॉब्लम्स हमें दे सकता है। जैसे बहुत ज्यादा समय तक अगर थायराइड की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाए तो डिप्रेशन हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी हो सकती है, हमारी बॉडी में लंबे समय तक थायराइड की प्रॉब्लम होने पर सूजन रह सकती है, बाल झड़ना, गंजापन होना, चिड़चिड़ाहट होना, पेट के अंदर ब्लॉटिंग होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कि जो कि थायराइड की वजह से होते हैं। थायराइड को अगर हमें ठीक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आयोडीन की मात्रा को अपने शरीर में संतुलित मात्रा में लें, क्योंकि आयोडीन की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी को मिलती है तो भी थायराइड होने की प्रॉब्लम होती है, और अगर आयोडीन की मात्रा जरूरत से कम मिले तो भी हमारी बॉडी में थायराइड हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सही मात्रा में आयोडीन जो है वो ले अपनी बॉडी के अंदर या अपनी डाइट के अंदर। उसको कैसे मेजर किया जाता है ये हम कुछ आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। इसके अलावा वो चीजें जैसे बहुत ज्यादा तला भुना हुआ खाना, बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स खाना जो कि बहुत ज्यादा सॉल्टी हो, या ब्रोकली, सोयाबीन, इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें भी हमें कोशिश करनी है कि हमारी डाइट से हम अवॉइड कर सकें। जितना ज्यादा आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल आप जी सकेंगे और थायराइड को मेंटेन कर पाएंगे। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां तक डिक्लेयर कर दिया है कि हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड का पेशेंट है, और इन थायराइड के पेशेंट्स में भी जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो महिलाएं हैं।
क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं घरेलू कामकाज में रहकर या घर और बाहर के कामों में संतुलन बिठाते हुए थायराइड का संतुलन खो देती हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ उन्हें बहुत ज्यादा अपनी चपेट में ले लेती है। सो कोशिश करें कि थायराइड को मेंटेन करने के लिए आप पूरे परिवार का तो साथ दें ही दें, साथ के साथ खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें मेजॉरिटी फीमेल्स हैं, तो मैं ध्यान से ये बात उन्हें दिमाग में सेट करवाना की कोशिश करना चाहूंगा कि आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा ये कि कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में आप खुद ही दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी आने वाली जो लाइफ है वो डेंजरस में चली जा सकती है या खतरनाक हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद के ध्यान विशेष कर रखें। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, एक बीमार व्यक्ति को अगर आपको केयर करनी है तो उसकी केयर सेकेंडरी एक चीज है। अगर आप उससे सही में रिलेट करते हो, सही में अगर आप उससे अटैच हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का ध्यान रखना, ताकि आप उस व्यक्ति को जो बीमार है उसे लंबे समय तक सही में आप केयर कर पाओ। अगर आप खुद ही उसके स्ट्रेस में बीमार पड़ जाओगे तो बल्कि आप खुद की तबीयत खराब करके बैठ जाओगे, और जिसकी वजह से आप ना खुद पर ध्यान दे पाओगे ना उस पर ध्यान दे पाओगे। तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये है सेल्फ केयर। तो खुद का ध्यान रखें और हमेशा एक लंबी और आयुष्मान भरी जिंदगी जीने की कामना करता हुआ आपका फ्रेंड डॉक्टर मनोज। एक और लास्ट चीज, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। ये वीडियो अगर आपके काम का है तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन से आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ के साथ अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो उन तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं जो इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सकते हैं। थायराइड से जुड़े हुए बहुत सारे और भी कई सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम रेगुलरली प्रयास करेंगे कि आपको वीडियोस देते रहें। इसी प्रॉमिस के साथ आज के लिए सिर्फ अलविदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार इस चैनल और इस पेज पर बरस रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।